हमारे पास गुलमो का जा बुझ गया उसमें नहीं नानी के संजीव संजीव केक के लिए भैया आप लोग जागे थे सर हम तो नीचे हम लोग बड़ा वाला केक मंगाए थे लेकिन हार गए थे हारने का बोझ अंशु के शरीर कौन जुतमुने से डाला कैसे देखते सब ठीक बा दो साल हो गए अब खिला नहीं सकते खैर एक तो हमारे साथ जाने उसके बाद केक लेकर आए खाएंगे मुझे पसंद भैया इधर से ही वो झोपड़ी थी दीदी जी बड़ी हो गई है तेरे लिए सीधा तीसरे नंबर पे आ रही कितने साल हो गए पांचवा साल इधर अरे एक साल अरे एक साल एक साल फोन बताओ हम बज गए बहुत बात करी चावल दाल खाना
वो वाली सी टू वाली भाभी चलो 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 नीचे चलते जाना होता है मामी बड़ी मरी होनी है क्या खिला दे ये लो अब जा रहा बैठो अब हमारा नींद सो गाइज आज है हमारी एनिवर्सरी इतने पावन हैप्पी एनिवर्सरी टू अस टू यू फाइनली निक्की को मैंने 4 साल झेल लिए झेले हैं बड़ा हमारे 4 साल कैसे गए हमें पता ही नहीं चले सबसे बड़ी बात ठीक लग रही है आज तो नहीं आज ठीक हूँ पहले छठ से तो ठीक हूँ रात को तो रात को हालत खराब हो गई थी लेकिन मेरी ये तो सही बात मम्मी इन्होंने मेरे को झेल लिया मैंने भी तो इनको झेला है नहीं झेला कहा गए इधर आना थोड़ा आओ आपको अवार्ड दो दे दो पूजा पूजा दे दो भैया को अवार्ड बाथरूम में चप्पल जैसी हूँ सो गाइज आज है हमारी एनिवर्सरी और आप सब हमें खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दो हमने पी लिया है पानी गर्म पानी और उसके अलावा कुछ भी नहीं चाय लिया है हाँ अभी तक हमने कुछ भी खाना वाना नहीं खाया पता है खाने की भूख नहीं होती है सिर्फ पानी की होती है कि थोड़ा सा पानी पी लो और बस इतना ही रिलैक्स मिल जाता है और आज जैसे कि बताया मैंने हमारी एनिवर्सरी है पता है आपको लास्ट ईयर हमने सोचा था कि यार इस साल नहीं सेलिब्रेट करेंगे अब धनवी बड़ी हो रही है तो उसका बर्थडे हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट किया करेंगे लास्ट ईयर ही ऐसा सोचा था बट फिर उसके बाद सैटरडे संडे में पड़ गया था तो फिर हमने सोचा कि सैटरडे संडे में तो सब लोग आ जाते हैं बच्चे वगैरह सब तो हमने सेलिब्रेट कर लिया छत पे आज मेरी एनिवर्सरी है विश करो थैंक यू शाम को आना ठीक है तो फिर उसके बाद क्या कह रही थी मैं राज और क्या कह रही थी मैं भूल गई फिर हमने इस ईयर सोचा था और इतने अच्छे दिन हमारे छठ पूजा के दिन तो सब लोग तो आए हुए हैं ऑलरेडी सब लोग यहीं पे हैं तो हमने कहा सेलिब्रेट कर लेते हैं तो हमने कुछ प्लान किया है नीचे अभी तक केक का ऑर्डर नहीं दिया है केक वा का ऑर्डर वा दे देते हैं सो जाओ फिर चलिए नीचे दिखाती हूँ हलवाई आ गए हैं खाना पीना बनेगा और पार्टी भाई भैया आ गए हैं वो बना रहे हैं खाना पीने की तैयारी कर रहे हैं हम चलते हैं ऊपर हम सोचो तो नहीं सोचो तो गाइज हमने सब ने बैठ के फिर साथ में किया पारण मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वाला उसके बाद जो शाम का सेलिब्रेशन है सारी चीज़ें आपको एक ब्लॉग में देखने को नज़र आएगी धनवी धनवी धनवी
पापा जी दुका दुका स्टोर करके सिखा देनी आ फिर वो करे के रोए लागे ले। गाइज मैंने सोचा इस ब्लॉग को एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन डीजे वाले भैया आ चुके हैं और साथ में हलवाई अंकल भी आ गए हैं वो खाना बना रहे हैं। मैं सोची थी कि थोड़ा सा आप लोगों से बैठ के बात कर लूँ। जैसे कि आपने कल रात को सरप्राइज़ देखा जो हमारे घर के जो भी बच्चे हैं सारे, पता नहीं क्यों मेरे मुँह से उनके लिए बच्चे ही निकलता है। शादी को 4 साल हो गया। जब मेरा रोका हुआ था ना अंकित को, आप देखना कभी मेरे रोके वाले फ़ोटो में कितने छोटे थे, तो मतलब वो ही लगता है कि बच्चे ही हैं। और सच में एक वो मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैं कभी अपने वर्ड्स में नहीं बताती हूँ आप लोगों को। उनके साथ अगर मैं बगल में खड़ी हूँ तो वो एक बॉन्ड, वो एक स्पेशल, सारी चीज़ें देख के आपको नज़र आता होगा कि वो लोग कितने ज़्यादा, मैं सबकी बात कर रही हूँ जो कल यहाँ पे थे उनकी भी, और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे अनु, अर्चना और भी बहुत सारे लोग, वो लोग कल नहीं थे लेकिन वो लोग भी जो हमारे प्रति, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के प्रति जो प्यार है वो मतलब कोई उनकी आँखों में उनकी हर एक चीज़ करने से वो झलकता है। मतलब वो कभी भी हमारा कोई भी स्पेशल मोमेंट हो तो उस चीज़ को वो एक और स्पेशल बनाने में ना लग जाते हैं। ये चीज़ देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं यही हमेशा अपने आप को, मेरे को लगता है कि मैंने सच में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला जो मुझे हमेशा इतना स्पेशल फील कराते हैं। मेरी खुशियों में आपने हमेशा नोटिस किया होगा, मैं ना मेरा सिर्फ एक ही सोच है, अगर आपका कुछ स्पेशल डे है तो उसमें आप खुद ही इतने ज़्यादा खुश हो ना, इतने ज़्यादा खुश हो कि दूसरा ना चाहते हुए भी आपकी खुशी में खुश हो जाए, और ऐसा ही आपको भी करना चाहिए। मैं खुद अपनी चीज़ों को लेकर इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश रहती हूँ तो सबको ये लगता है कि हाँ यार इसके लिए थोड़ा सा वो करना चाहिए। कल रात को हम लोग सो गए थे क्योंकि फास्ट था और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो हम सब सो गए थे। जैसे कि आपने देखा रात के 12 बजे इन्होंने केक ऑर्डर किया हुआ था और ऊपर लेके आए, और वो उस टाइम मैं कैमरा ऑन नहीं थे क्योंकि मैं तो मुझे पता नहीं था ना कि ऐसा कुछ होना, तो वो जो एक चिल्ला के आए थे ना भागते भागते एक दूसरे के ऊपर गिरते विरते, वो इतना प्यारा था, इतना इतना अच्छा था कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैं बस हर यही प्रे करूँगी कि हर लड़की को ऐसी ननद, और मतलब जो कि मतलब मैं अपने दिल की हर एक बात शेयर करती हूँ, पूजा, प्रीति, अनु, अर्चना, सबको शेयर करती हूँ, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या मेरा इंस्टा का काम, क्या मेरा यूट्यूब का काम, एवरीथिंग, सारी चीज़ें। और हम लोग काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से शेयर भी कर लेते हैं। जैसे उसको होता है ना, मैं डे वन से जब से मैं यहाँ उतरी हूँ तब से, यहाँ तक कि जब मेरा इंगेजमेंट रोका हो गया था तब से हम फ़ोन पे मतलब एक बहुत प्यारा बॉन्ड है। कभी कभी हमारे बीच कुछ ऐसा हो जाता है ना, हर रिलेशन में होता है जिसमें थोड़ा सा लगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे, तो उस टाइम पर ना मैं इतना रोने लग जाती हूँ, मैं इतना अंदर से इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा इन सब के साथ ना एक अलग ही अंदर से क्या फील होता है मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। और कभी ऐसी चीज़ें कुछ हो जाती हैं कि जब मतलब बहुत मुझे बुरा लगता है, और मैं कभी इस सारी चीज़ों को लेकर ना भड़कती नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, मैं बस सोचती नहीं ये कुछ किया होगा ना तो इसके पीछे ज़रूर कुछ ये रीज़न होगा हमारे रिलेशन को लेकर। बस मैं चाहती हूँ सबकी शादी हो जाए बट फिर भी हमारा जो ये रिलेशन है ऐसा ही बना रहे और ये लोग मेरे लिए स्पेशल सब करते रहे और मैं इनके लिए स्पेशल करती होंगी, करती हमेशा रहूँगी। मैं इनके लिए करती हूँ इसलिए ये मेरे लिए करते हैं, और ऐसे ही चीज़ें होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी इतना प्यारा रात को सेलिब्रेशन करने के लिए हमारे लिए, कि हम अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हम तो नॉर्मली सो गए थे, हमें पता नहीं था कि आप सब लोग मिलके इतना प्यारा सरप्राइज दोगे। तो दिल से थैंक यू, मेरा और भैया का आशीर्वाद प्यार आप सबके ऊपर बस बना रहे, हमेशा बना रहेगा, आप लोग खूब तरक्की करेंगे। और सेकेंड चीज़, मैं 4 साल यहाँ आई और कब देखते देखते ये 4 साल गुजर गए आप सबके साथ मुझे पता ही नहीं चला, मेरी शादी के 4 साल हो गए हैं, 4th साल है। और मतलब हम लोग हंसते खेलते, अच्छे समय भी आया हमारी लाइफ में, बुरा समय आया, कभी एक तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हम आपस में इतना लड़ भिड़ गए थे कि बस क्या बताऊँ, लेकिन हाँ जहाँ प्यार होता है वहाँ टकरार होता है, और अगर आपको एक दूसरे से दिल से प्यार है ना तो कितनी भी बड़ी गलती कुछ भी हो वो तुरंत इंसान भूल जाता है। रात को आपके पास कोई नया कपड़ा नहीं है? थक गया मैं, मुझे ढूंढना भी नहीं है। नहीं ये पहले अंकित ना कोई ड्रेस ला, अंकित लाए बोल रहे थे वही पहनने के लिए।